आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़वानी के अपने दौरे के दौरान शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में बनाए विजय स्तंभ भी पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी भी उपस्थित रहे। बड़वानी से शकील मंसूरी। 1857 में अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, तो ये आरक्षित वर्ग का जिला है सर, पहाड़ी वन क्षेत्र होने के कारण जो सड़क हो, देखिए हमारे ध्यान में आया है, सड़क और जो है जरूर इसके बारे में चिंता करेंगे। स्वास्थ्य कि वन ग्राम होने के कारण, कई बार वन परिक्षेत्र होने के कारण वन विभाग वाले आपत्ति लेते हैं, जिसके कारण नहीं मैंने कहा है कलेक्टर साहब को और जितने ऐसे गांव हैं, फॉरेस्ट विलेज हैं, जहां पर कठिनाइयां हैं विकास के लिए, रोड है, रास्ता के लिए, उसके लिए अनुमति लेकर के हमने स्पेशल उनको कहा है कि उसके लिए जहां भी अगर दिक्कत है तो अनुमति दिलाने की जिम्मेदारी है, सरकार अनुमति देगी और उनके आवागमन के संसाधन जो बेहतर हो सकते हैं, विशेषकर पार्टी के बारे में उल्लेख हुआ है, हमारी चिंता है और ध्यान में आया है, हम लोग जरूर इसके लिए चिंता करेंगे और कोशिश होगी कि कोई नया इनिशिएटिव के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नेता बुद्धों को टिकट मिलना चाहिए, जो कार्यकर्ता नेता बुद्धों को टिकट मिलना चाहिए, इससे सहमत? देखिए ऐसे हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोशिश है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सक्षम कार्यकर्ता है, जो पार्टी के दृष्टि से और पार्टी के कार्यकर्ताओं के दृष्टि से अगर ऐसा वो अपने आप को सक्षम बनाता है तो निश्चित तौर से पार्टी सामान्य कार्यकर्ता के बारे में भी विचार करती है, परंतु ऐसा कोई वो नहीं है। ये कोशिश होती है कि जैसे कांग्रेस के अंदर जो परंपरागत लोगों को टिकट देना, चुनाव लड़ाना, सारे पदों में आना, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है और इसीलिए जो सक्षम कार्यकर्ता है, जो काम करता है, वो आगे बढ़ता है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।